भक्तामर तीर्थ की पावन पवित्र भूमि खिलने लगी है। गर्भ, जन्म, तप, ज्ञान, मोक्ष, कल्याणक की भक्ति होने लगी है। प्रभु जन्म लेंगे, देवगण झूमेंगे, इंद्र इंद्राणी बलैया लेंगे, रत्न बरसेंगे, शहनाइयां बजेंगी, भक्त आनंद में नाचने लगेंगे। जी हाँ, कुछ ऐसा ही दृश्य देखने को मिलेगा भक्तामर तीर्थ यवत महाराष्ट्र में 7 दिसंबर से 11 दिसंबर 2024 तक आयोजित होने वाले इस पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव में भक्तामर वाले बाबा डॉक्टर आचार्य श्री प्रणाम सागर जी महाराज की पावन प्रेरणा से उन्हीं की जन्म स्थली पर भक्तामर तीर्थ कलश मंदिर का नव निर्माण हुआ, जिसका पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव बड़े ही भव्य रूप से आयोजित होने जा रहा है। जैन इतिहास में पहली बार प्रत्येक प्रतिमा विधिनायक से मंत्रित होगी। यह संपूर्ण कार्यक्रम भक्तामर वाले बाबा डॉक्टर आचार्य श्री प्रणाम सागर जी महाराज के पावन सानिध्य में संपन्न होगा। 8 दिसंबर को भगवान का जन कल्याणक महोत्सव मनाया जाएगा और भव्य जन्माभिषेक होगा, तो आप भी प्रभु भक्ति के शानदार कार्यक्रम में पुण्यार्जन कर सकते हैं। नवग्रह महाकुंभ कलश 11 लाख, नवग्रह नवरत्न कलश 2,51,000, हीरक पंचरत्न कलश 1,23,000, हीरक कलश 51,000, स्वर्ण कलश 21,000, रजत कलश 11,000, ताम्र कलश 5,000, पीताम्र कलश 2100 रुपए की राशि में उपलब्ध है। आयोजक भक्तामर तीर्थ पंच कल्याणक महोत्सव समिति, निवेदक प्रणाम धारा परिवार ट्रस्ट, कार्याध्यक्ष किशोर जिंदत शाह बारामती, सलाहकार केसी जैन मुंबई। संपर्क सूत्र। प्यारी प्यारी भव्य आत्माओं, जवानों से ही जमाना है। जहां युवा है वहीं पर हवा है, जहां युवा शक्ति है वहीं पर ही पूरे देश की शक्ति जुड़ी है। सबसे पहले हमें युवाओं के अंदर धार्मिक भावनाएं पैदा करना होगी, राष्ट्रभक्ति के प्रति भावनाएं पैदा करना होगी, परिवार के प्रति भावनाएं पैदा करना होगी, समाज के प्रति भावनाएं पैदा करना होगी, तभी जाकर के यह जमाना चल सकता है। आज के समय युवा एक ही डायरेक्शन में चल रहे हैं, पैसा पैसा पैसा, धन धन धन, से की डायरेक्शन, बस मुझे पढ़ना है और मुझे पैसा कमाना है। पैसा आपका जीवन नहीं है, पैसा आपका फ्यूचर नहीं है। आपकी शक्ति, आपका पावर, आपकी ताकत आपका फ्यूचर हुआ करता है। पैसा तुम्हारे पास हो और ताकत तुम्हारे पास ना हो, वह पैसा उसके बाद किस काम आने वाला है। आज जो बच्चे सर्विस करते हैं, नौकरी करते हैं, आज वह अपने जीवन को चंद्र पैसों में बेच दिया करते हैं। अपना समय अपने लिए नहीं, जो पैसा देता है उसके हवाले कर दिया करते हैं। एक बार जब बच्चा नौकरी करता है, वह बच्चा ना तो अपने माता पिता का हो पाता है, ना पत्नी का हो पाता है, ना बच्चे का हो पाता है। सिर्फ एक ही उद्देश्य है, बस मुझे पैसा कमाना है। ये भाव जब युवा के अंदर पैदा हो जाएंगे तो देश अपने आप में कमजोर हो जाएगा, धर्म अपने आप में कमजोर हो जाएगा, समाज अपने आप में कमजोर हो जाएगी, तो देश को चलाने वाले नेता भी अपने आप में कमजोर हो जाएंगे। सबसे पहले हमें संकल्प करना होगा कि मुझे सबसे पहले किसके लिए जीना है, किसके लिए संसार में हम आए हैं, मुझे क्या करना है। आज मुझे ये जवानी मिली है, युवा अवस्था मिली है, इस अवस्था में सबसे पहले मुझे क्या काम करना है, ये विचार हर युवाओं को हर पल हर क्षण आना चाहिए। तब जाकर के वह इस दुनिया में शांति के साथ जीवन यापन कर सकते हैं, उनके जीवन के सारे कष्ट दूर हो सकते हैं। जब युवा परेशान होता है तब उसे लगता है अब तो मेरा कोई नहीं है, मैंने तो माता पिता का भी साथ छोड़ दिया था थोड़े से पैसों के लिए, पत्नी का भी साथ छोड़ दिया था, बच्चों का भी साथ छोड़ दिया था, समाज का भी साथ छोड़ दिया था, रिश्तेदारों का भी साथ छोड़ दिया था,
मेरा कौन है, जब वह अकेलापन महसूस करता है, पैसा भी उसका साथ नहीं देता है और वह कुछ गलत काम करके मृत्यु का शिकार हो जाया करता है। आज ऐसे कितने सारे बच्चे होंगे पूरे देश के अंदर, दुनिया के अंदर, जो आज आत्मघात करते हैं, गलत विचार करके गलत व्यसन के शिकार हो जाते हैं, अकेले पड़े रहते हैं, अकेलापन उन्हें खलता है, किसी से बात नहीं कर सकते, किसी से अपना दर्द बता नहीं सकते। मोबाइल कब तक आप चलाओगे, कब तक आप टीवी देखोगे? एक पल के लिए जब आपको अकेलापन महसूस होगा, उस समय आपके साथ कौन होगा? कोई भी तुम्हारा साथ नहीं देगा। याद रखना, जो जिसके साथ रहता है वही उसका साथ देता है, जो पैसों के लिए साथ छोड़ देता है, दुनिया उसका साथ छोड़ती है और साथ में पैसा भी उसका साथ छोड़ दिया करता है। पैसा क्या है? प्यासा है, उसका पेट कभी भर नहीं सकता है, उसकी प्यास कभी बुझ नहीं सकती है, हमेशा प्यासा का प्यासा रहता है। लगता है कि पैसा मेरे पास है, सुबह सुबह यही पैसा दूध वाले के घर चला जाता है, सब्जी वाले के घर चला जाता है, पेपर वाले के घर चला जाता है, भोजन वाले के घर चला जाता है, टैक्सी वाले के घर चला जाता है। हमको जिसकी जरूरत होती है, हमारा पैसा उसके पास चला जाता है। जब हम विश्राम करते हैं, बस अपने पास अकेलापन होता है, पैसा भी अपने पास नहीं होता है, तो पैसा कभी आपके लिए संपूर्ण सुख का साधन नहीं बन सकता है। तो जवानों, जमाने के साथ चलो, ऐसे जमाने के साथ चलो जिस जमाने में आप जम के बैठ सको, अपनी भावनाओं को, अपने अंदर की शक्ति को इस पृथ्वी में जमा सको, समाज में जमा सको, परिवार में जमा सको, जो रिश्तेदार हैं वहां पर अपना प्रभाव जमा सको। ये जमाना आपका है, हमें किसी के साथ नहीं चलना है। ऐसी शक्ति पैदा करो, सारी दुनिया तुम्हारे साथ चले। अगर तुम्हारे साथ चलती है तो समझ लेना आपका जमाना चल रहा है और आप उसके साथ चल रहे हो। बस मेरा जमाना खत्म हो चुका है, बस मुझे मशीन की तरह चलाया जा रहा है, मैं चल रहा हूं। क्यों, किसके लिए, कुछ नहीं पता। लोग सुबह ट्रेन में बैठते हैं, जाते हैं, सफर तय करते हैं, रात को लौट करके अपने घर आ जाते हैं। पूछा जाता है, कहां सुबह से निकल जाते हो, कैसे रात को घर आ जाते हो? कोई जवाब नहीं मिलता है, बस चल रही है जिंदगी। जब तक श्वास है तब तक बस जी रहा हूँ, परिवार के लिए नहीं, सिर्फ पैसों के लिए जी रहा हूँ। पैसे आएंगे तो परिवार सुखी रहेगा, पत्नी सुखी रहेगी, रिश्तेदार सुखी रहेंगे, यह सोच आपकी गलत है। परिवार को पैसा तो चाहिए, पैसे के साथ साथ उसे प्यार भी चाहिए। आप उसे प्यार लुटाइए, समय दो, जवान हो, जवान का उपयोग करो अच्छे शब्दों के लिए, प्रभु भक्ति के लिए, समाज से जुड़ने के लिए। जय धर्मेंद्र का उपयोग कीजिए, मंदिर में जाकर के लोगों से मिलिए। जब लोगों से मिलेंगे, लोग आपसे मिलेंगे। जीवन में आप कितना भी कर लो, कितना भी पैसा कमा लो, जब तक दुनिया तुम्हारा साथ नहीं देगी, मरने के बाद कोई भी आपको अंतिम संस्कार भी नहीं देगा। अब आप अपने मन में बैठकर के विचार करो, मुझे करना क्या है, किसके लिए जीना है, पत्नी ने किसको देख के शादी की, माता पिता ने किसके लिए मुझे पैदा किया, रिश्तेदारों ने किसके लिए रिश्ते बनाए, जो मित्र बने हैं
वह मित्र किसके प्रभाव से बने, यह बात हमेशा आप एक बार एकांत में बैठकर सोचो कि मेरे माता पिता ने इतनी मेहनत से मुझे बड़ा किया, किसके लिए बड़ा किया होगा कि मेरा बेटा, मेरा बच्चा, मेरी संतान मेरे बुढ़ापे में मेरा साथ दे सके। एक पत्नी ने अपने माता पिता को छोड़ा, क्यों छोड़ा? कि मेरा पति मेरा साथ दे सके, साथ साथ चल सके, हर पल मेरा साथ निभाए। यह भावना लेकर के उसने अपने गले में मंगलसूत्र धारण किया है, जो आज उसके तन पर आभूषण है पति के नाम के हैं। जब पति ही साथ न दे तो पत्नी का पतन निश्चित है, वह जीवन में कुछ कर नहीं पाती है। रिश्तेदार से आप नहीं जुड़ोगे तो जब आपकी तबीयत खराब होगी कोई रिश्तेदार आपका साथ नहीं देगा। थोड़ा सा समय निकालो परिवार के लिए, बच्चों के लिए, रिश्तेदारों के लिए, और थोड़ा सा समय निकालो संत के पास आने के लिए, भगवंत से जुड़ने के लिए थोड़ा सा समय निकालो। कभी कभी मुझे लगता है कैसा जमाना आ चुका है कि आज जहां जहां स्वार्थ होता है व्यक्ति वहां वहां तो चला जाता है, लेकिन जहां उसका स्वार्थ नहीं होता है बहाने बनाता है। देखेंगे, विचार करेंगे, सोचेंगे, समय मिलेगा तो हम मंदिर जाएंगे, समय मिलेगा तो हम संत के पास जाएंगे। बाकी के कामों में, पैसों के काम में बीमार व्यक्ति भी जागृत हो जाता है, लेकिन जब धर्म का काम आता है तो स्वस्थ व्यक्ति भी बीमारी का बहाना बनाता है। ऐसा ही संसार है, सोचिए। जब धर्म के लिए आप बहाना बनाओगे, धर्म भी आपके साथ कैसे साथ निभा सकता है? एक पल के लिए आप विचार करें, आपसे ही जमाना है, आपको ही इस जमाने को जमा के रखना है, संस्कारों के साथ, अपने अच्छे शब्दों के साथ, अच्छी भावनाओं के साथ। संस्कार का जमाना है, आप सभी अपने अंदर अपनी भावनाओं में धर्म का विचार उत्पन्न करें। यही प्रभु से प्रार्थना करें, जो मुझे मिला है मैं दुनिया को बांट सकूं, मैं दुनिया के लिए कुछ करके जा सकूं। इस संसार से हर किसी को आज नहीं तो कल विदा होना है। विदा होने के पहले आप पूरे परिवार में, रिश्तेदार में, समाज में, राष्ट्र में याद को छोड़ के जाए। अभी आप देख रहे हैं कितने जवान कश्मीर में से, कितने जवान कश्मीर में शहीद हुए और कितने जवान शहीद हो रहे हैं। क्यों? आपके बचाव के लिए। जब जवान बॉर्डर पे खड़ा होता है तब हम चैन की नींद ले पाते हैं, जब संत मंदिरों में बैठा होता है तब हमारी आत्मा, संसारी जीव की आत्मा चैन से, आत्मीयता के साथ आराम कर सकती है। तो जीवन जैसा जवानों का है वैसा ही जीवन संतों का हुआ करता है। आज सारे युवा संत आपके बीच में हैं, आपके भावों के साथ जुड़ करके आपको धर्म से जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। आज भी नेता जवान हैं, उनके साथ जुड़ोगे तो जमाना आपके साथ जुड़ेगा। आज सर्विस करने वाले बच्चे, व्यापार करने वाले बच्चे सब जवान हैं, आपको ही इस जमाने के साथ चल करके जमाने को अपने साथ चलाना है, तब जाकर के हम मंजिल को पा सकते हैं। जो ताकत, जो शक्ति, जो पावर आपको मिला है इस पावर का उपयोग करें, और पूरी दुनिया को तुम्हारी बहुत जरूरत है, उनकी जरूरत को पूरा करें। अच्छे विचारों के साथ जुड़ें, गलत चीज़ों के शिकार ना हों, व्यसन से दूर रहें, बस भगवान की भक्ति के साथ संबंध बना के अपने अंदर के भावों को निर्मल, पवित्र और पावन करेंगे तो ही आपका अंतिम समय जवानी के साथ, आत्मीयता के साथ। आज तुम्हारे पास जवानी है,
जवानी में यदि तुमने अच्छे काम किए, बुढ़ापा जब आएगा उस समय भी लोग तुम्हें जवान मान करके आपके जवानी में किए हुए काम को याद करेंगे। इसका मतलब बुढ़ापे में भी तुम्हारा जमाना चल रहा है। यह काम कुछ करके जाओगे तो ही लगता है कि मैंने जीवन में कुछ अच्छे काम किए हैं। संसार से विदा होने के पहले संसार के लिए कुछ अच्छा काम करके जाए, जिससे संसार सदा सदा के लिए याद करें और आपकी यादें साक्षात परम पिता परमात्मा से जुड़ी रहे। यही मेरी भावना है। वर्तमान में हर फील्ड में जवान 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 बच्चे दिखाई दे रहे हैं। संत परंपरा में देखिए, सभी युवा संत हैं। राष्ट्र के लिए देखिए, एक युवा नेता किस प्रकार से राष्ट्र के लिए काम कर रहा है। धर्म में देखिए, संत। राष्ट्र में देखिए, युवा। देश के सुरक्षा के लिए आप देखिए, सभी युवा जवान। हर जगह युवा युवा है। युवा होगा तो हम अपने जीवन में अंतिम समय तक स्वस्थ और आनंदित प्रसन्नचित्त रह सकते हैं। आज हमें युवा शक्ति की बहुत ज्यादा जरूरत है। इसके बिना संसार चल नहीं सकता है। मशीनी युग है, यंत्रों का युग चल रहा है। यंत्रों के युग से शरीर चल सकता है, लेकिन मंत्रों के प्रभाव से ही मन और आत्मा का संचालन हो सकता है। जब तुम्हारा अंतिम समय आए, मैं चाहता हूँ युवा बच्चे तुम्हारे पास हों। वह तुम्हें नमोकार मंत्र भक्तामर सुना सके, जिससे आपका अंतिम समय अध्यात्म के साथ व्यतीत हो। जब आप कहीं यात्रा पर जाएं, आपके बच्चे श्रवण कुमार बन के आपको तीर्थ यात्रा कराए। जब युवा तुम्हारे साथ होता है, फिर हमें किसी सेवक की आवश्यकता नहीं होती है। युवा ही आपकी सेवा करता है। बहुत सारे युवा भारत देश छोड़ के विदेश में सर्विस कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं। करो, कोई बात नहीं है। इसके साथ साथ अपने परिवार का भी ध्यान रखो। परिवार से मिलो, परिवार से जुड़ो। आज मैंने मुंबई में देखा, बड़े बड़े घर हैं, बंगले हैं, बच्चे नहीं हैं। बुजुर्ग माता पिता पड़े हुए हैं, बच्चे सारे विदेश में हैं। तो मैं उन युवाओं से कहना चाहता हूँ, जिस माता पिता ने जितना ध्यान रखा है, बस थोड़ा सा ध्यान अपने माता पिता का रखो, जिससे उनको अच्छी भावनाओं के साथ अच्छी गति प्राप्त हो सकती है। जिसने तुम्हारे लिए इतना किया है, बस उसके लिए आप थोड़ा सा अवश्य करेंगे तो ही तुम्हारे जीवन का कल्याण हो सकता है। बाकी मैं नहीं चाहता हूँ कि आप अपना पूरा जीवन अकेले व्यतीत करें, धन के साथ व्यतीत करें। धन तो निधन के बाद ही खत्म हो जाता है, लेकिन जो धर्म से जुड़ता है, माता पिता से जुड़ता है, अध्यात्म से जुड़ता है, वह धन के साथ अपने जीवन को धन्य बना लेता है। उसके जीवन का कल्याण हो जाता है। वह आत्मा से परम गति की यात्रा करता है। वह शरीर को खत्म कर दे, कोई गम नहीं, लेकिन मरने के बाद भी उसकी आत्मा को याद किया जाता है, क्योंकि उसने अपना ध्यान धन के पीछे नहीं, अपने आप को धन बनाने के लिए व्यतीत किया है। इसी वजह से कुछ लोगों के नाम आज भी हम लोग जयंती के रूप में याद करते हैं। तो बस कुछ ऐसे काम करें, हमारी भी जयंती हो जाए, हम मरे नहीं, मेरी आत्मा जयती पद को प्राप्त हो जाए और संसार के लिए कुछ अच्छे कार्य इसके माध्यम से हो जाए। यही मेरी भावना।